हेलो फ्रेंड्स, आपका गौरव की चाट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पालक पनीर का कोफ्ता बनाने वाले हैं, जिसके लिए हम लोग पालक लेंगे, उसे अच्छे से धो लेंगे और इसे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरह से हम लोग कट कर लेना और एक बोल में हम लोग ले लेंगे और इसमें हम लोग एक नमक डालेंगे, इससे हम लोग का पानी बाहर आ जाएगा। इस तरह से चला के इसे थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दें। ये देखिए, जब इसका पानी इस तरह से बाहर आ जाए, इस तरह से चम्मच की मदद से प्रेस कर ले, सारा पानी अलग कर ले। ये देखिए, इस तरह से हम लोग अलग कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम लोग इसमें पनीर डालेंगे, घर का पनीर यूज़ कर रहे हैं, बाहर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे डाल लेंगे और इसमें हम लोग बेसन डालेंगे, 3 चम्मच बेसन डालेंगे, 1/4 चम्मच डाल देते हैं। और इसमें हम लोग नमक डालेंगे, मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी डालेंगे और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका डो जैसा बना लेना है, जैसे कि बॉल्स बन जाए। ये देखिए, इस तरह से बन जाना चाहिए। हम लोग तेल गरम करेंगे और इसे जैसे हम पकौड़ी तलते हैं, उस तरह से हमें इसे फ्राई कर लेना है। एक एक करके डाल दें, जैसे हम पकौड़ी बनाते वैसे ही बनाना है। ये देखिए, इसे पलट लेते हैं। जैसे इसे हम लोग पकाना है, ये देखिए इसका कलर बहुत अच्छा आ चुका है और ये पक भी चुका है बहुत अच्छी तरह से। हम लोग इसे प्लेट से निकाल लेते हैं, से निकाल के साइड में रख देते हैं। इसका हम लोग प्याज और मिर्च लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे और टमाटर का भी पेस्ट बना लेंगे। हमें तेल है, ये लहसुन और जो मिर्च का पेस्ट बनाए थे, उस तरह तेल में गरम करके इसमें हम लोग डालेंगे और इसे हम लोग को फ्राई करना है। बस जब तक कि अपना कलर चेंज ना कर दे तब तक की फ्राई करेंगे। ये देखिए, थोड़े थोड़े समय पे चलाते रहे। ये देखिए, अब इसमें हम लोग लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसे डालने के बाद भी 1-2 मिनट पका लें और इसके बाद हम लोग इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं, मिर्च पाउडर डाल देते हैं, धनिया पाउडर डाल देते हैं और इसे मिक्स कर ले एक बार अच्छे से। अब इसमें हम लोग कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं अच्छे स्वाद और कलर के लिए। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करके थोड़ा पका ले। अब इसमें हम लोग ये टमाटर का जो पेस्ट बना है वो डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार और इसे ढक के थोड़ा सा पका लें ताकि अच्छे से मसाले भून ना जाए। चला लेते हैं इसको। इससे अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम इसे पानी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एक बार में नहीं, थोड़ा डाल के पहले मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। पॉइंट और डाल लेते हैं, ग्रेवी बनाना है। इसे थोड़े थोड़े करके डाल दिए, जितना आपको ग्रेवी जिस तरह की चाहिए उस तरह से पानी डालें। इसे ढक के उन्हें पका लेते हैं जब तक कि अच्छे से ये कुक ना हो जाए। ये देखिए, ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छे से पक भी गया है। अब इसमें उन्हें गर्म मसाला का ये पाउडर है, इस डाल देंगे और धनिया पत्ता डाल देंगे थोड़ा टेस्ट के लिए। और इसके बाद हम लोग जो ये बनाए थे वो डाल देते हैं, पालक पनीर से मिक्स कर ले। बस 1 मिनट के लिए हम लोग गैस पे छोड़ देंगे और इसे ढक के, ये देखिए हम लोग हटा लिए और ये बिल्कुल अच्छे तरह से पक गया है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप ज़रूर इसे घर में ट्राई करें, बनाएं। इसे हम लोग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। थैंक यू। ये
देखिए।